हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास टेस्ट जो था मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म से। इसका कोड था SB8022-24। नीट के लिए पेपर था हमारा ये। सबसे पहले इसका वेटेज जान लेते हैं, नीट के अंदर कितना आता है इस चैप्टर का। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल जाएगा जब भी पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 साल में, पिछले 5 साल में लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एंड सोलेनोइड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों ये बोला गया है कि एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, एक तो हमको क्या कराना है, एक सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कराना है। ठीक है सर, तो अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कल के अंदर मूव करेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। हाँ, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उस टाइम पर? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेरी होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ये बात हमको पता है। ठीक, तो इससे क्या जनरेट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक सर्कल के अंदर मूव करेगा, जिससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। बोला है एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है और उसके अंदर करंट कितना दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है। अच्छा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे उसने मैग्नेटिक फील्ड कितने बोल रखी है, बी नॉट बोल दी। मान लो मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, उसमें क्या दौड़ रहा है, करंट आई दौड़ रहा है, बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड बोला हुआ है, बी नॉट बोला हुआ है। अच्छा, बोला हुआ है कि एक्स दूरी पर जब हम गए इसके एक्सिस से, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिली हमको वो कितनी मिली, बी नॉट अपॉन में 8 मिली। अच्छा, अब हमको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हमको x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो हम ऐसा लिखते हैं, चलो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पर कितनी होती है, याद करो, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना, 2 R। ठीक है, अच्छा ये एन आई क्यों लगाया है हमने, एन आई लगाया नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन आई लगा दिया है। ठीक है, अच्छा अगर हमको लेट डिस्टेंस एक्स पर हमने क्या करनी है, निकालना है हमको, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस एक्स पर क्या फॉर्मूला होता था बताओ जरा, डिस्टेंस एक्स पर याद करो तो फॉर्मूला होता था हमारा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या था, 2 R² + X² की पावर 3/2 होती थी। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, हमारा एक्स डिस्टेंस हो गया। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। और हमको एक बात पता है, जो एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, बी नॉट की 1/8 है, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू आपस में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ आपका, 2 R² + X² की पावर 3/2 हो गया, और वो किसके बराबर हो गया हमारा, 1/8 म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 R। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप सब काटेंगे, एन आई एन से एन काटा, मिनट से आई वगैरह सब काटा, आर वगैरह को सेपरेट करा, और इसको करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 R³ = R² + X² की पावर 3/2। तो हमको ये कुछ एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा इसको अगर काटोगे आप। ठीक है, अच्छा अब ना आप एक बार बताओ, ये दोनों चीज किसमें लिखी हुई है, बराबर लिखी हुई है, इसका मतलब है इसके अंदर बस एक्स ही ऐसी चीज है जिसमें क्या करूं, मैं कुछ वैल्यू पुट करूंगा, वो मुझे सोचना है कि मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा यहाँ पर ये आ जाए। तो सोचो जरा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएं इसके अंदर और हम देखें कि अगर एक्स की वैल्यू हम +-√3 R रख दें, तो हमको 8 R और R की पावर क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, हमारा 8 R³ हमको इसका वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसके अंदर क्या रख दें, अगर हम x की वैल्यू अगर हम रख दें, क्योंकि
माइनस √3 R रखते हैं तो ठीक। तो यही हमको क्या करना था, यही जान करना था हमको कि हमको एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, किसके बराबर आ जाए, और यहाँ से हमको फिर एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी जो है क्या, +√3 R। ठीक है, तो हमारा ये प्लस में है तो √3 R होगी हमारी। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसका मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, और बोला है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। वो एक सर्कल बनाता है जिसका रेडियस कितना है, 0.1 मीटर का रेडियस है। बताया पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। अच्छा आपको एक बात पता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो हम एक फॉर्म लगाते थे रेडियस वाला, R=mv/q/b, याद है। यहाँ से क्या मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, mv/q में कितना हो गया आपका, qr हो गया यहाँ से। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो, इसका मास रख दो 9 × 10^-31, वेलोसिटी रख दो कितने वेलोसिटी से जा रहा था वो, है ना, 10^6 m/s से जा रहा था। नीचे क्या हो गया, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10^-19, और 0.1 क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपको सिंपल रेडियस मिल जाएगा 5.6, रेडियस सॉरी रेडियस नहीं, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 5.6 × 10^5 टेस्ला। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, जो है हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गई। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है वो चल रही है -y एक्सिस के अंदर, तो -y एक्सिस के अंदर क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। हमको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपल सा हम क्या लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड रूल जो होता है हमारा, राइट हैंड रूल। तो हम राइट हैंड रूल लगाकर इनकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अपना फिंगर अपना एक लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ। अब जैसे राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वही ऐसे क्रॉस कर दो, है ना, ये वाला वी का क्रॉस कर दो, किससे, नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है। तो ये हमने एक्स मान ली नीचे वाली, क्या -y मान ली, तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या होगा -z एक्सिस हमारा, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी अंदर की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -z एक्सिस हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या बोला है, स्ट्रेट वायर दे रखी है, लेंथ दे रखी है सर, करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है क्या, 2 टेस्ला दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। वायर पर फोर्स पता करनी है, अब हम निकाल सकते हैं क्या, बताओ फॉर्मूला क्या था, F=IBL होता था, IBL sin θ, है ना, यहाँ पर क्या होगा, IBL हो जाएगा हमारा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नॉर्मली क्या होगा, IBL हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दो, 1.8 करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, 2 है क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, हाँ 2 टेस्ला है। ठीक, 1 क्या हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गई, तो इसको करोगे तो कितना आएगा, 36, मतलब 3.6 न्यूटन। तो इतनी फोर्स इसके अंदर लग जाएगी, फोर्स एक्ट करेगी वायर पर 3.6 न्यूटन की। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है बच्चों हमारा, करेक्ट है, आगे चलिए। अच्छा सिंपल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बायो सावर्ट लॉ के लिए और कूलाम्ब लॉ के लिए। तो सबसे पहले देखो, बोला है कि बहुत इंडिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड पॉइंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इनका, तो बी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, μ0/4πIdl/sinθ/r² याद आ रहा है, Idl sin θ अपॉन में R²। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है बायो सेवर्ट लॉ के अंदर वो R² के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कूलाम्स लॉ देखो जरा क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में R² यहाँ पर भी क्या सेम चीज है, मतलब ये बात तो एकदम करेक्ट है। अच्छा दूसरा देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है क्या, सुपर पोजिशन मतलब क्या है भाई, तुम्हारा कूलाम्स लॉ के लिए तो क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस होंगे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक, और तुम्हारा मल्टीपल इसके अंदर क्या हो सकते हैं, बायो सावर्ट लॉ के अंदर मल्टीपल करंट सोर्सेस हो सकते हैं,
एक जगह पर मल्टीपल करंट सोर्सेस का या मल्टीपल चार्जेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही हमारा क्या बताता है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताता है। तो दोनों के लिए चीज लागू होती है, ये भी ठीक है। अच्छा, बोथ हैव एन एंगल डिपेंडेंसी, बताओ क्या क्या दोनों के अंदर एंगल का यूज है क्या? इसके अंदर देखो साइन थीटा का एंगल आता था, याद है तुम लोगों को? यहाँ कोई एंगल दिख रहा है क्या? कोई एंगल नहीं दिख रहा, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। कूलाम्स लॉ के अंदर किसी भी तरह की एंगल की डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, और यही हमको देखना था। ठीक, चलिए आगे चलिए। सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और कैरी करती है एक करंट आई को। तो एक हमने लूप बना ली जिसका रेडियस कितना है, आर है, और इसके अंदर करंट कितना दौड़ता है, आई दौड़ता है। हमको देखना है एनर्जी डेंसिटी, देखनी है हमको एनर्जी डेंसिटी का। देखो फॉर्मूला तुमको याद है क्या? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद करो, बी स्क्वायर अपॉन में 2 μ₀। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक EMW के अंदर भी आप पढ़ोगे इसको। अच्छा, तो हमको क्या, हमको अगर बी पता लग जाए तो हमको क्या एनर्जी डेंसिटी पता लग जाएगी? हाँ पता लग जाएगी। कितना होता है बी इसके उस पर सेंटर पर, μ₀ I अपॉन में 2 r। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो तो एनर्जी डेंसिटी जो मिल जाएगी आपको कितने मिल जाएगी, μ₀ I का स्क्वायर, ठीक, और कितना हो गया आपका अपॉन में 8 r² ठीक है बच्चों। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा μ₀ I² अपॉन में 8 r², ऑप्शन डी क्या हो रहा है आपका, करेक्ट है। अच्छा, 8th क्वेश्चन पढ़ो। 3 इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इनफाइनाइट लेंथ वायर पी क्यू आर, और प्लेस कर दिए गए, पैरेलल कर दिए गए हैं। वही वाला कंसेप्ट लगाना है हमको कि जब दो तारों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा होता है तो वो क्या करती है आपस में, बताओ? अगर सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो करंट क्या होगा, वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो हमको क्या निकालना है, आर पर नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ सोच के देखो, आर पर निकालनी है मतलब फोर्स ऑन आर, एक बार तो किसके कारण लगेगी फोर्स, क्यू के कारण लगेगी, एक बार फोर्स लगेगी किस पर, आर पर, किसके कारण, पी पर, पी के कारण। तो एक बार बताओ सबसे पास कौन है इसके अंदर, क्यू सबसे पास है, पी क्या है, दूर है, और क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्यू रिपेल करेगा और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ रिपेल करेगा, और पी इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो सर सिंपल सा काम है, हमको क्या क्या करो, दोनों की फोर्स निकाल लो, और फोर्स निकालने के बाद भाई साहब क्या करेंगे, अब उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमको क्या निकल जाएगी, नेट फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको ये समझ में आ रही है, जो फोर्स कौन, क्यू जो फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स ज्यादा होगी किससे, पी से ज्यादा होगी। ठीक, तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू निकाल लेते हैं कितने होगी। तो आपको फॉर्मूला याद है कि फोर्स कितने लगती थी, दो, जब दो पैरेलल वायर के अंदर से एक करंट जा रहा है ना, I1 एक में से जा रहा है, I2 दूसरे के अंदर से जा रहा है, तो क्या होता था, μ₀/2π है ना, I1 I2 L अपॉन में कितना हो जाता है, नीचे R हो जाता है आपका। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू रखवाओ जरा कितनी होगी, μ₀/2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 × 10⁻¹ हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छा I1 I2 कितना हो जाएगा आपका, I1 I2 12 हो जाएगा तीनों दोनों को प्रोडक्ट करके। ठीक, और क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है इनकी, अच्छा लेंथ रखनी है हमको, तो लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर चेंज करेंगे, 10⁻²² लगा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, जो कि कितना है हमारा, आर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर की, 2 से 2 कैंसिल होगा हमारा, यहाँ से कितना मिलेगा हमको, फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू मिलेगी हमको, 12 × 10⁻¹ बन जाएगी यहाँ से, -8 बन जाएगी हमारी। अब सेम हमको क्या करना है, फोर्स ऑन आर ड्यू टू पी देखना है, जो क्या होगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो फिर से वही काम कर दो, μ₀ I1 I2 तो लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 × 10⁻²⁷ हो जाएगा, μ₀/2π। ठीक है, फिर I1 I2 का क्या करो, प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, μ₀ I1 I2 का प्रोडक्ट कितना होगा,
चार दोने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ठीक। अच्छा उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, एल आएगा, एल की वैल्यू कितनी, फिर से 10 हो जाएगी और 10 की पावर -2 लग जाएगी। नीचे कितनी बचेगी, इन दोनों के बीच की दूरी बचेगी जो क्या है, 3 है ठीक। सोल्व करने के बाद आपको 16/3 मिलेगा, 16/3 बराबर होगा आपका, इसके बराबर हो जाएगा आपका 5.33 × 10^-8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अच्छा हमको क्या निकालनी थी, नेट फोर्स निकालनी थी, तो ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस कर दो, आपका नेट फोर्स निकल जाएगा। तो ज्यादा वाली फोर्स कौन सी आ रही थी, 12 × 10^-8, और कम कौन सी थी आपकी, 5.33 × 10^-8। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर यहाँ से 6.67 × 10^-8 न्यूटन मिल जाएगा आपको, है ना। 12 को इसमें से माइनस कर देना, कितना मिल जाएगा, 6.67 × 10^-8 न्यूटन। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी इस पर ठीक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना, 6.67 ऐसे आसपास है बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या था, सवाल का करेक्ट था। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन बोला है करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है जिसका अलोंग द लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल पाइप, पाइप के अंदर से क्या कर रहा है भाई साहब, एक करंट फ्लो कर रहा है ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉट जीरो, करंट बाहर बाहर है इसके ठीक है, और हम अगर हम अंदर ऑब्जर्वेशन करें इसकी, अंदर हम क्या लगाएं, एम्पियर सर्किट और लो लगा के देखें, जो क्या होता था तुम्हारा बताओ जरा, इंटीग्रल पी डॉट डी एल है ना, किसके बराबर होता था, म्यू है ना, पी डॉट डी एल म्यू नॉट और आई एनक्लोज के बराबर होता था हमारा, कि आई जितना उसके अंदर है। अब इसके अंदर आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है क्योंकि तो बार बार करंट है, तो बी की वैल्यू अंदर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अंदर तो कोई तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, अंदर आपको 0 ही मिलेगी ठीक है। तो बट नॉट 0 वाला तो वैसे ही गलत हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, बी ऑप्शन पढ़ो, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन साइड द पाइप इज 0, अंदर कहीं भी चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको किसी भी पॉइंट पर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, जो कि हमारा एम्पियर सर्किट लॉ भी कह रहा था ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा सिंपल। चलिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इसने डी एल इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू बराबर दे रखी है, डी एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और प्लेस एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इक्वल टू, करंट की वैल्यू दे रखी है हमको, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो वही ये लग रहा है हमारा बायो सेवर्ट लॉ लगा रहे हैं, उसके अंदर सब सब की वैल्यू उसके अंदर गिवन है ठीक। डी एल इक्वल टू डी एक्स कर रखा है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर रखा है ना, डी एल इक्वल टू डी एक्स और इसकी वैल्यू भी कितनी कर रखी है, 1 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख लेंगे 10^-2 मीटर काम आएगी। करंट दे रखा है हमको, रेडियस दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू हमको दी हुई है, क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फॉर्मूला बताओ क्या हो गया था, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई, क्या हो गया फिर, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई डी एल आई डी एल अपॉन में कितना, R² ठीक है। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीजें उनको क्या कर दो, पुट कर दो उसके अंदर। तो बच्चों रखो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 4 × 10^-7 हो गई तुम्हारी ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू इतनी हो गई तुम्हारी, फिर क्या रखवाओगे आप, करंट की वैल्यू रखवाओगे, करंट की वैल्यू बताओ कितनी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पीयर दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ को रखेंगे 10^-2 मीटर हो जाएगी ठीक है। अच्छा और R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, R² है आपका 0.5 है, 0.5 देखो यहाँ से ना इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हो जाएगी 10^-7 हो जाएगी, और जो नीचे आ रहा है ना और R² आ रहा है उसका R² कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.5 मतलब 1/2 उसका स्क्वायर आ रहा है, तो इसका जो 2 है एक ऊपर चला जाएगा, तो इसका 4 आ जाएगा ये वाला ठीक है। तो हमने क्या भेज दिया, ऊपर भेज दिया इसका, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो।
आपको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 × 10⁻¹। 4 × भाई यहाँ से कितना होगा, 10⁻¹ होगा, 10⁻¹ और प्लस और इंटू में 10, 10⁻¹ कितना हो जाएगा, -8 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और देखो डायरेक्शन देखनी है तो इसके डायरेक्शन क्या होती है, आई क्रॉस जे होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे को करोगे तो इसका कौन सा वेक्टर आएगा, के अंदर आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, के कैप की डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि पार्टिकल चार्ज क्यू है जो जिस पे मास एम है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इक्वल टू ई नॉट दे रखा है, बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप दे रखा है। इसका मतलब है, चलो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड का हमने वो ये बना लिया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी है ना पार्टिकल की, वो देखो वी इक्वल टू वी नॉट जे कैप है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेलोसिटी जा रही है इसकी। ठीक है, और आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन, आई कैप की डायरेक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड वो भी एक्स एक्सिस के अंदर है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, हमको निकालनी है स्पीड ऑफ पार्टिकल की, स्पीड निकालनी है जब वो, हमको निकालना है स्पीड, बताई है कि स्पीड हो जाए पार्टिकल की √5/2v0 हो जाए, पहले कितने थी उसके अंदर, कोई पहले कितनी है इसकी स्पीड, वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट, जे कैप के अंदर v इक्वल टू वी नॉट है हमारी। हमसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, √5/2v0 हो जाए। अच्छा ध्यान से देखो, तो इसने जे की डायरेक्शन के अंदर किसी तरह का कोई एस्केलेशन वगैरह मेंशन नहीं किया है। एस्केलेशन किस डायरेक्शन में आएगा, तुम्हारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा, है ना, वाई की डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन तो आ नहीं रहा, वही वी इक्वल टू वी नॉट दे रखा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको इसकी जो नेट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, नेट वेलोसिटी की वैल्यू हमको निकाल के उसके अंदर हम क्या पुट कर दें, अगर √5/2v0 को पुट कर दें तो वहां से हम अपने टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो टाइम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वी में तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मेंटेन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई एक्सलेट नहीं हो रहा, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी चला जा रहा है। ठीक, तो अगर लिखूं उसका वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी। अगर मैं वी एक्स की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, वी एक्स में तो क्या आएगा, एक्सलेशन आएगा, एक्सलेशन कितना आएगा, याद करो एक्सलेशन होगा एफ अपॉन में एम, एफ कैसे निकालते हैं, क्यू ई अपॉन में एफ इक्वल टू क्यू होगा, एम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन में एम हो जाएगा हमारा, तो क्यू ई अपॉन में एम। ठीक, तो वेलोसिटी कैसे निकाले, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सेलेरेशन इंटू में टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वेलोसिटी मिलेगी कुछ टाइम बाद, हमको नहीं पता वो टाइम कितना है। ठीक, हमको क्या करना है, इसका नेट वेलोसिटी उठाओ और इनके अंदर पुट कर दो, और फिर इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पर ये इस वेलोसिटी को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो एक फॉर्मूला है आपका बच्चों, वी का वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका होगा वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू को क्या करते रहो, पुट करते चलो। तो हमको बोला गया है वी इक्वल टू इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, √5/2v0 हो जाए, और बाकी जो चीजें इसके अंदर पुट करवा दो, यहाँ से क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू ई टी अपॉन में एम इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सबको क्या कर देना है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कराओ कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, उधर से क्या मिलेगा हमको, वी नॉट का स्क्वायर मिलेगा। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू ई टी अपॉन में एम इस पूरे का स्क्वायर मिल जाएगा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर करो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो, तो 5/4 वी नॉट का स्क्वायर में से वी नॉट जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई तुम्हारा, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्यू ई टी अपॉन में एम का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारे,
वी नॉट स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर रूट लो, ले लो, तो क्यू ई टी अपॉन में एम किसके बराबर मिलेगा आपको, वी नॉट अपॉन में 2 के बराबर मिलेगा। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी थी, जब उस वेलोसिटी क्या कर लेगा, टेन करेगा वो, तो उसको उस तरफ फेंक दो। यहाँ से कितनी मिली इसकी वैल्यू, एम वी नॉट अपॉन में 2 QE। तो हमारा ऑप्शन इसका था करेक्ट आपका एम वी नॉट अपॉन में 2 QE। तो बी ऑप्शन क्या था इसका बच्चों, करेक्ट था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको क्या कर दिया है, बेंड करके एक सर्कुलर कॉइल में ढाल दिया गया है जिसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक, उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है करंट, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। आपको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बतानी है कॉइल पर कितना लग सकता है। तो देखो इसका लेंथ थी पहले, ठीक है, एक लेंथ इतनी थी, उसको घुमा के ऐसे करके लूप बना दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लेता हूँ, चलो एन मान ली मैं, ठीक है। अच्छा मान लो एक बड़ी तार था मेरा, बड़े तार को क्या करा मैंने, ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया मैंने कितने हो जाएंगे, चलो एन मान ली। ठीक, तो इसका जो तुम्हारा सर्कमफ्रेंस बनेगा इस पूरे रिंग का, जो कॉइल वाली जो हमने कॉइल बनाया थे घुमा घुमा के, उसका बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी। यहाँ से इस वाले की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर, ये लेंथ इस पूरे के बराबर होगी, कितना 2 पाई आर होगा, ये सर्कमफ्रेंस होगा, और कितनी बार रिपीट करेगा, एन टाइम्स रिपीट करेगा जितनी बार तुम लपेटोगे उसको। अच्छा यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला तुमको पता है, बी एन आई ए होता है। अच्छा वहां से हम क्या करें, ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर होगी। यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस वाले कॉइल का आर तो पता नहीं है क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो यहाँ से पहले, सबसे पहले क्या करो, आर की वैल्यू निकाल लो, जो कितने मिलेगी, एल अपॉन में 2 पाई एन मिल जाएगी हमको, तो इक्वेशन क्या होगी, 1 हो गई। अच्छा मैक्सिमम टाओ का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, टाओ मैक्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारा बी एन आई ए, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो, ए की जगह क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो बी एन आई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या कर दो, ये पुट कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, बी एन आई पाई आर स्क्वायर की जगह ये पुट हो गया हमारा, एल अपॉन में 2 पाई एन। ठीक, तो एल का स्क्वायर हो गया तुम्हारा, है ना, डायरेक्ट लिख दो उसको, एल का स्क्वायर नीचे हो गया 4, ठीक, पाई स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा तुम्हारा, एन स्क्वायर हो गया। अब इनसे सब कुछ कट जाएगा, एक एन से एक एन खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो तुम्हारा जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा तुमको, यहाँ से मिल जाएगा आपको आई बी एल स्क्वायर 4 पाई एन। अब देखो जरा तुम्हारा जो टाउ मैक्सिमम आया है वो किसके बराबर आया है तुम्हारा, आई बी एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एन के बराबर आया है। अच्छा टाउ ना, ये टाउ चल रहा है हमारा, टाउ मैक्सिमम, तो अभी देखते हैं हम कितना होगा, कब होगा। अच्छा अगर इसकी वैल्यू, एक बार बताओ, अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ जाए, देखो बाकी सब चीज तो अभी के लिए फिक्स है, अब एन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर कम से कम रखूंगा तो टाउ क्या आएगा मेरा, ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई, है ना। तो उस केस में तुमको क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्स मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, आई बी एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, तो इतनी मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, टाउ की, ठीक है। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे, नोट कर लेना सबको बच्चों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन बोलता है कि एक करंट कैरिंग लूप है, क्लोज लूप है, और प्लेस की गई है जहाँ ऐसे रीजन में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा देन द फोर्स के बारे में बताना है और टॉर्क के बारे में बताना है, क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो देखो जरा, मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लिए जा रही है और इसमें हमने कॉइल को ही ऐसे रख दी जो क्या थी, क्लोज थी हमारी, करंट मान लो अगर मैं इसमें ऐसे जा रहा है इस टाइम पर। अच्छा तो तुम राइट हैंड पाम रूल लगाओ, आपको पता है राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगली लेके जाओ ऐसे करके, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, और नीचे की तरफ मेरी जो हथेली है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे करा मैंने, करंट ये रहा नीचे की तरफ,
अच्छा, अगर एक करंट ऐसे घूम कर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट नीचे इस तरफ ऐसे, फिर मैं ऐसे अपना हाथ लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर करंट ऐसे इस तरफ, तो बताओ जो नेट फोर्स निकल रही है मेरी, वो कैसे निकल रही है इस वाले केस के अंदर, कैसी हो रही है? डाउनवर्ड हो रही है, यहाँ पर हो रही है डाउनवर्ड, एफ जो नेट फोर्स निकल रही है, एफ की वैल्यू आ रही है। अच्छा, जब करंट कहाँ पर तो होगा तुम्हारा, यहाँ पर होगा, तब तुम्हारी नेट फोर्स कैसे निकल रही है? ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, तो ऑल ओवर द पूरा जब भी पाथ होगा, पूरे सर्कमफ्रेंस पे अंदर की तरफ फोर्स आएगी, और देखो सारी फोर्स क्या हो रही है, एक दूसरे को काट देंगी। तो हमेशा याद रखना, एफ नेट की वैल्यू तो इस केस के अंदर, एफ नेट की वैल्यू तो हमेशा जीरो होती है, ऑलवेज, ठीक। लेकिन हम ना इस केस में टॉर्क की वैल्यू को हम नहीं कह सकते कि वो जीरो होगी या हमेशा नॉन जीरो होगी। टाओ जो टॉर्क है ना, वो तुम्हारा जीरो हो भी सकता है और तुम्हारा जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं इसके अंदर, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। क्योंकि जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है तुम्हारा, डिपेंड करता है तुम्हारा ओरिएंटेशन पर, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, कि तुम्हारी जो लूप है वो किस एंगल पर रखी है मैग्नेटिक फील्ड से, उस पर क्या करता है तुम्हारा टॉर्क डिपेंड करता है। तो इस केस के अंदर हमको ये तो बात आप आज थंब रूल याद रख लेना कि एफ नेट तो हमेशा जीरो होगी, लेकिन इस वाले केस के अंदर देखो, इस वाला जो केस था, अच्छा इस वाले केस के अंदर देखो जरा, अगर मेरा ऐसा केस है, देखो मेरा केस कैसा है, ऐसा केस नहीं था इसके अंदर, कुछ ऐसा दे रखा था हमको, ये लूप थी हमारी और ये हमारी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। अच्छा इस केस के अंदर बताओ, एफ नेट तो फिर से वही सबका जीरो होगा, वो तो ऑलवेज जीरो होगा। इस केस के अंदर बताओ, एरिया वेक्टर हो गया तुम्हारा और मैग्नेट फील्ड, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो टाउ तो तुम्हारा जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस के अंदर तुम्हारा टाउ जीरो नहीं होगा। तो टाउ जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, किस पर डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। ये जो पर्टिकुलर केस है उस केस में आपका टाउ नेट जीरो के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है हमारा, मोस्ट सुटेबल आंसर है। 14th देखो क्वेश्चन, एक स्क्वायर करंट लूप है जिसकी साइड कितनी है, एल है, जिसमें करंट कितना दौड़ रहा है उसकी साइड में, आई दौड़ रहा है, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमको बतानी है। हमको पता है मैग्नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, एम इक्वल टू आई, आई दे रखा है इसके अंदर, कोई करंट से दौड़ रहा है, लेंथ कितनी बोल रखी है इसकी, सबकी साइड बोल रखी है एल, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इंटू में एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, चलो उसके बारे में पूछिए, तो फॉर्मूला लिखो जरा कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन मी 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा अब देखते चलो इस फॉर्मूले से ही क्या क्या बता रहा है, क्या सिर्फ ये करंट की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा क्या? नहीं भाई, आई पे उस पर भी, एल पे भी करेगा, आर पे भी करेगा, साइन थीटा पर भी करेगा, है ना। अच्छा यहाँ देखो जरा, ओनली ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या सिर्फ डीएल पर करेगा? ये भी नहीं सही बात है। अच्छा क्या सिर्फ एंगल पर करेगा, ओनली ऑन एंगल, तो एंगल पर, सिर्फ एंगल पर भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है इस पर भी कर रहा होता है, इस पर भी कर रहा होता है, इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, मतलब तीनों चीजों पर क्या कर रहा है, मतलब जो भी सारे ऑल ऑफ द ऑप्शन है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारे सॉल्यूशंस हो गए हैं यहाँ तक का, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे इसको सॉल्यूशन, ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम नए टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए बच्चों।